नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के शुभारंभ और रामलला की इसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नजदीक से देखने का समय नजदीक आ गया है। तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। देश के करोड़ों हिंदू दिवाली जैसी अनुभूति वाले इस पल के साक्षी बने, उसके लिए अयोध्या से अभिमंत्रित अक्षत कलश भोपाल पहुंचे, जहां उनका पूजन हुआ और अब ये पीले चावल घर घर पहुंचाकर लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। इसके लिए अयोध्या से अभिमंत्रित अक्षत कलश मध्य प्रांत में पहुँच गए हैं। राजधानी भोपाल की गुफा मंदिर में इन कलशों का विधि विधान से पूजन किया और फिर अलग अलग जिलों में पहुंचाना शुरू किया। बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इन कलश के अयोध्या से आए पीले चावलों को मध्य प्रांत के 32 जिलों में 35 लाख घरों में बांटेंगे। इसके लिए उन्होंने तहसील तहसील गांव गांव जाना शुरू कर दिया है। वे 22 जनवरी को सभी राम भक्त को अयोध्या पहुँचने का निमंत्रण दे रहे हैं। राम भक्तों का आह्वान किया है हमने कि राम के दर्शन करने आइए, तो भक्त का आह्वान करना गलत बात नहीं है। जो सोया है उसे जगाना, उसको वहाँ तक पहुँचाना, ये प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। उस कार्यकर्ता इसका दायित्व निर्वाह करने के लिए अक्षत लेकर उनके पास जाएंगे, आमंत्रित करने के लिए कि राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। अच्छी इन्विटेशन कितने करोड़ लोगों तक पहुँचेगा ये इन्विटेशन? हम सब जानते हैं, हमारी स्पष्ट घोषणा है, किसी जाति से घृणा नहीं और देशद्रोही को क्षमा नहीं, ये हमारा मंत्र है। किसी जाति से घृणा नहीं और देशद्रोही को क्षमा नहीं, ये हमारा मंत्र है। हम प्रत्येक भारतवासी को राम का भक्त मानते हैं। हम सबका आह्वान करेंगे, सब वहाँ राम के मंदिर में आए। दुनिया के मंदिर किस तरीके से रोजगार देते हैं? मैंने जैसा बताया कि भारत के अंदर 6,48,907 मंदिर हैं और इनसे निकलने वाला रोजगार 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसा मैंने कहा कि फूल प्रसाद सुरक्षा स्वास्थ्य, इन सब के माध्यम से रोजगार निकल रहा है और ये सब मध्यम श्रेणी के लोग हैं और वहाँ कोई जातिगत भेद नहीं होता। प्रसाद देने वाले से जाति नहीं पूछी जाती, फूल बेचने वाले से जाति नहीं पूछी जाती, चाय पिलाने वाले से जाति नहीं पूछी जाती, जहाँ भोजन करते हैं उसे जात नहीं पूछा जाता, भंडारे में किसने पूड़ी बनाई पूछा नहीं जाता, कौन परोसा पूछा नहीं जाता। भक्त बना रहे हैं, भक्त खिला रहे हैं, भक्त खा रहे हैं, यही एक पवित्र भाव रहता है। कितने कलश हैं और कितने जिलों में जाएंगे? यहाँ 32 जिले हैं, 32 जिलों के अंदर ये कलश जाएंगे। नाम बताइए। सावला, केंद्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।